Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel। तो आज का व्लॉग होने वाला है अपना मगरूर पीर के दादा हयात कलंदर हजरत की जो उरस है, अभी उरस चल रहा है तो यहाँ पर है अपन, और अपने यहाँ पर अभी खाना वाना भी हो चुका है तो अभी निकलने वाले अपन उरस के लिए। कवाली है उधर, बेंजो एंजो ढोल पानी है, देखते सब क्या क्या है तो क्या क्या नहीं है। अपने साथ होने वाले मजर सर, अंजर, और इधर प्रॉपर मगरूल के साथ और अम्मा लिटिल चैट। चलो देखते आगे क्या होता है। तो गाइस अब रेडी हो गए सब, हम अब निकल रहे हैं संदल की तरफ। तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है, अभी देखते हैं वहाँ जाके। अरे तो पहुँच गए अभी मेले की गली में, दरगाह के बैक साइड में। यहाँ पर है दुकानें लगी, मतलब मेला टाइप कुछ है यहाँ पर। जैसा सब जगह मेला रहता है वैसे ही है, लेकिन यहाँ एक बड़े ग्राउंड में नहीं है, गलियों में है सिर्फ। चलती ना वहाँ पहचानते लोग, अब ये चलती चलती नहीं पहचानती। तो रश है यहाँ, बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि जगह ही ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी गली है, बहुत सारे लोग हैं। तो व्लॉगिंग करनी है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल तुम्हें? खैरियत? फैन भी मिल रहे हैं अपने, माशाल्लाह से फैन मिल रहे हैं यहाँ पर अभी। गाइस अभी पहुँच गए हम दरगाह के गेट के पास। ये देखो, ये है मज़ार का मेन गेट। अब काफ़ी पब्लिक है अभी, तो व्लॉगिंग करना भी मेरे को बहुत हार्ड जा रहा है, डिफरेंट जा रहा, मुश्किल जा रहा। मतलब सो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हमारे अंदर। अभी बहुत सारी रिकॉर्ड कर रहे हैं पीछे का बिहाइंड द सीन का, उनके हाथ में कैमरा, बहुत मज़ा आ रहा ना, अच्छा लग रहा है। एकदम सब लोग आगे मिल रहे, सेल्फी ले रहे, वहाँ पहली बार हो रहा है सब। ये भी हमारे भी है, हमारे छोटे स्टार आने वाले, फ्यूचर स्टार है वो, ट्रेनिंग में अभी, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, ऐसा वो सीख रहे हो चुटकी मार। दरगाह के बाहर आ गए हम, दरगाह का गेट हम बैक साइड से एंट्री कर रहे थे और ये फ्रंट साइड है, मतलब काफ़ी कंजस्टेड जगह है यहाँ पर। ये छोटा सा बाज़ार भी है और ये ऐसी दुकान भी है। यहाँ पे देखो चिकन विकन, चिकन बेस्ट मिलता है, चाय पीते ना। इधर गली है, गली में से अंदर अभी क्या बोलते, तो यहाँ से आएंगे बोलते संदलो। देखो बेंजो आ रहा, वो चमक रहा बेंजो। अब इतनी बारीक गली है, बहुत कंजस्टेड काम है। तो गाइस अब आ गई है चाय, हम आए चाय पीने के लिए और अब पियेंगे हम चाय। तो गाइस चाय वाय पी के अभी हम आ गए, इधर आ गया बेंजो, ये डीजे है, वो पब्लिक है बहुत सारी, गली सी इतनी सी गली और जगह है नहीं ज़्यादा। बाकी शॉप आप देख सकते हैं आप, दूध है ये, तब मट्टे का दूध देखा अंदर। Thank you.
किधर अरे हाँ खत्म। और अपनी पहचान वाले बहुत मिल रहे हैं, जो जो अपनी वीडियो देखते हो बहुत प्राउड मोमेंट है, खुश बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश पैसे वसूल हो गए, है ना मजा सर, बहुत जबरदस्त प्राउड मोमेंट है ना, लोगों की मोहब्बत देखकर आंखें भर के आ रही जी, आगे भर के आ रही, वी नेवर सीन बहुत मिलन सारे भाई मकरूल के रहे बाप मकबर बहुत माशाल्लाह। और अब जा रहे हैं हम कवाली में दरगाह के अंदर, तो कवाली का सीन देखते क्या है, तो आपको लेके चलते कवाली पे माशाल्लाह से, बहुत दिल खुश हो गया। अब क्या बोलो तुम गाइस, अभी हम दरगाह के अंदर आए, यहाँ पे हो रही है कवाली देख सकते हैं आप, आज ये हमारे भैया वीडियो देखती अपनी ताकत से फॉलो करती, इधर देखो थोड़ा, हाँ बस इधर देखो हजरत, यहाँ से एक नज़ारा देख लो दरगाह का, दरगाह की दीवारों का, अभी कवाली हो चुकी है अच्छी, हाँ साथ में, हाँ ऊपर जाएंगे ना ठंडा भी लगेगा वहाँ, और इधर है कुछ दुकानें, मतलब मेला टाइप लगता है, इधर जगह नहीं है बड़ी तो दुकानें यही लगती गली में, देख लो इधर पूरी दुकानें है गाइस, ओके गाइस अंदर भाई मर गए, उधर पूरी दुकानें, हां सुना ना मैंने, किसी को खरीदी करनी होगी तो इधर आ सकता है, बहुत ही जबरदस्त, अब दिखा देते हैं वो बोल हुआ है, जहां तक नजर जा रही है आपकी दुकानें दुकानें नजर आ रही है, ये यूपी लखनऊ, लखनऊ वाले आ गए, हां लखनऊ वाले आ गए, उर्दू के अंदर और गाइस पब्लिक अभी फंसी, उर्दू पब्लिक कहीं नहीं, दे डोंट वांट टू गो देयर होम, अब आप इस लिंक से लड़ा कर आएगा, अभी ख्वाहिशमंद है भूल लेंगे खाना खा ली थे ताकत से सब, हाँ उल्टी हो सकती थी करके जो है, संडल का दिन खत्म हो गया, बहुत अलग तक कर लिए ना, यहाँ तक निकल लिए बिरयानी मांडो जाने वाले, यहाँ पे काफी मिले के थे लेकिन साध का साध नहीं, अमर ना यार, अमर अमर को झूला झूलना था लेकिन झूले बंद दिख रहे हैं, अमर का ताल नहीं आया फिर बराबर, बैक साइड है दरगाह की, इधर बता लंगर ये देखा बने थे, पीछे दरगाह और हम जा रहे हैं ज़ियारत की तरफ, यहाँ पे मटका बाल्टी कवाली कुछ चालू है, गाइस यहाँ रिकॉर्ड है अपने सकली का, अपनी दो तीन बार खड़ी कर दी थी, अभी जा रहा और ये नीचे उतर रही है, ये पायरी है बहुत देखने के लायक की है, अभी मतलब अंदर गई नहीं ज़ियारत पे, मेन ज़ियारत पे दुरूद शरीफ फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी बहुत रश है वहाँ ज़्यादा, तो हम थोड़ी देर के बाद में दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने आराम से 12-1 बजे जाएंगे रात में, है ना साथ भाई, अभी बहुत रश है, हमारे अली भाई के चाहने वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनका, बहुत बहुत तहे से शुक्रिया भाई, चलो चलो एक अनारही मेरी रब की कुदरत का शाहकार है,
दाना दाना जरा जोड़ के दिखाओ, फिर उसको पर्दों में लपेट के दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर उसमें जायके भर के दिखाओ, गाय के थन से निकलता दूध देखाओ, हिरन के नाफे में मुश्क और सांप के मुंह में जहर और मक्खी के मुंह में शहद, आदम की सारी नस्ल का मालिक, दो पांव पर चलने वालों का बादशाह, चार पांव पर चलने वालों का मालिक, हवा की मखलूक, पानी की मखलूक, जमीन की मखलूक, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, लपटने वाले, छपटने वाले, फाड़ने वाले, दहाड़ने वाले, डसने वाले, ढसने वाले, सब पर मेरे अल्लाह की शहंशाही है, वो कौन है, मेरा अल्लाह है। मित्रों, भाइयों बहनों, आज 5 जनवरी 2024 को आपदा मंगल के बुलावे पर मैं मगरुल पीर शरीफ को आया। दादा हयात कलंदर साहब का मेरे को बुलावा हुआ तो मैंने कहा आपने बुलाया और मैं चला आया। तो वैसे बैठे चबूतरे पे जमाता गई तो हमारे पुलिस चीफ साहब, उनको तो मालूम है सब ताल उनका कैसा क्या है, तो बिगड़ा हुआ रहता, कभी वोल्टेज बढ़ा हुआ रहता दिमाग का, तो जमात लेकर आए अस्सलाम वालेकुम पटेल साहब बोले तो कुत्ता बैठा था, कुत्ते ने भोग दिया। ये शिक्षा दिया क्या तेको मैंने, मौला के अंग पे भोगता है क्या? फिर एक बार वो बच्चे को सांप ने काट लिया था, उनके जकी को छोटे को, तो एक बार वो सांप निकला था, वो बबलिया बबलिया को रात में दिन में मार डाले, तो पड़ा हुआ था फिर ये जमात है, तो अब सलाम करे जमात वालों ने, ये रियल वाकई है, ऐसे बनाई हुई नहीं अपने आर्टिफिशियली, तो आए तो रह गए हाफिज साहब का हमारे बयान देना, सांप खुद ने नहीं मारा, रात भर सोया बबलिया के बिस्तर में, काटा नहीं क्योंकि हुक्म नहीं हुआ, उसका जानवर भी जब तक नहीं काटता हुक्म जब तक नहीं होता। हमारे मुतकल्लिम तो रह गए, तुमने चालू कर दिया। अभी वो दरगाह का चल रहा था, हिल रही थोड़ा वो आया था, तो बस ऐसे सामने पीछे मंदिर था बड़ा, ऐसे बैठे पटेल, अब इधर की फप आ रही जैसा खबर आ रही, हम भी उधर से चिल्लाते हुए आ रहे, दम मदार बेड़ा पार ऐसा वैसा, तो पटेल बैठे हुए, जब बुद्ध खड़े होंगे कहने लगेंगे ला इला इला ला, वो दौर आ गया है अब। अब खड़े से करने वाले भी ला इला इला ला बोलेंगे, तुम बात को नहीं समझ रहे, इशारा आ गया। हरकत में है ना, हरकत ऐसा थोड़ी हल रही, हरकत है वो, तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा, इशारा आ गया। हाँ हमको मालूम, अच्छी बात कर रहे, अच्छी बात कर रहे, पता ही यारी भी को भी अंकल को बताया था अपने, तो वो बड़ी भी हमारे कार वाले 30-40 लोग, तो वो टाका बना, वो बच्चे गैंग में सोए थे सर्दी का टाइम, ब्राउन कलर का, तो बच्चा गिर गया था टाके में, अब ये इनको ऐसा लगा ब्राउन स्वेटर से क्या भाई कुत्ता है करके, कुत्ते का बच्चा है पूछा है, तो वो दादी बोलते हमारी, अरे देखना रे साबिर कुत्ते का बच्चा गिरा ना रे टाके में। हमारी महफिल हो चुकी है और यहाँ पे हमारे अली अंकल ने कुछ ब्लैंकेट लेके आए हैं वहाँ गरीबों के लिए दरगाह पे, मतलब जो गरीब है उनके लिए ये ब्लैंकेट से उनको ठंडी लगेंगी, तो ये ब्लैंकेट हम डिवाइड कर देंगे वहाँ पर ले जाके। देखो एक भाई खिदमत खलका ये बहुत बड़ी और खिदमत से खुदा मिलता, और ये ब्लैंकेट हम गरीबों में बांटेंगे इंशाल्लाह। और अभी अंकल जा रहे हैं हमारी इस गाड़ी से अमरावती, पूरा पक्का सबूत लगने को आगे वाली वीडियो वीडियो एडिट भी लगती है, फोटो एडिट लगती है, फोटो जब से वीडियो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। हां अब बात भी आ गई उसमें, बोल दो अच्छा जी, जमा जमा।
पर तुम ले से एक एक लग रहा होगा तो सब जा रहे हैं हम अंदर दरूद शरीफ वगैरह पढ़ने, सो मिलते हैं आने के बाद में। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। तो कल बहुत ज़्यादा थकने की वजह से हम बहुत देर तक सो गए, अभी दो से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है। खाना वाना खा के अब जा रहे हैं हम दरगाह शरीफ पर, क्योंकि अभी उरस होने वाला है ख़त्म, तो आखिरी का शूट कर लेते हैं। और हमारे साथ है साथ भाई इधर अम्मा डॉन, ये फ्यूचर स्टार है, अभी रियल स्टार अभी ऐसा सीख रहे हो मेरी जान, देखते आगे क्या होता है। मकरूल पीर की दरगाह पर दादा आजकल अंदर पे, तो पीछे मेरे पीछे कुछ ऐसा माहौल है। और अभी जा रहे हैं ऊपर, क्या है हम एकदम दरगाह के टॉप पर। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, पीछे देखो ये ऐसा गुंबद दिखता, देखो ये कवाली का ग्राउंड है, यहाँ पे होती कवाली ऐसे, और इधर से दिख रहा है पूरा मकरूल। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यार, यहाँ से पूरा मकरूल दिख जा रहा है। यहाँ फोटो लेंगे अपन दरगाह के पास, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गाली समझ नहीं आ रहा बच्चों को, वीडियो बोलते हैं। तो गाइस और अभी अपनी व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि उरस भी हो गया, फातिया भी हो गई, सब हो गया, निपट गया लास्ट में, रात में मतलब कवाली है, तो अब हो गया सब निपट गया अपना। अपन इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताओ। अल्लाह हाफिज़।